पाकिस्तान से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के मुल्तान शहर के पंजाब निस्तार अस्पताल की छत पर 500 शव पड़े मिले हैं अस्पताल की छत पर मिले शव काफी पुराने हैं जो सड़ चुके हैं इन शवों से शरीर के अंग भी गायब हैं जिनमें से कुछ शवों के सीने खुले हुए हैं इससे इस बात की आशंका जताई जा रही है कि शवों से हृदय व अन्य अंग निकाले गए हैं ये शव किसके हैं और अस्पताल की छत पर क्यों रखे गए थे इस बारे में अब तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि इन शवों का उपयोग मानव अंगों की तस्करी के लिए किया जा रहा था पाकिस्तान मीडिया के अनुसार निश्तार मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने बताया है कि इन शवों का इस्तेमाल मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहे थे उन्होंने कहा कि शवों का प्रयोग पहले ही किया जा चुका था और उन्हें आगे चिकित्सा उपयोग के लिए हड्डियों और खोपड़ी को निकालने के लिए छत पर रखा गया था इस मामले में पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के मुख्यमंत्री के सलाहकार चौधरी जमा गुर्जर ने पंजाब निस्तार हॉस्पिटल का दौरा किया है इस दौरे में उन्होंने सभी शवों का अंतिम संस्कार करने का आदेश देते हुए संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को मामले की जांच कर आरोपितों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है अब बात करते हैं पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर की पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर की स्थिति पहले से ही ख़राब है देश महीने भर से ज़्यादा समय से बाढ़ से जूझ रहा है इसके चलते डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में पाकिस्तान में मच्छर से होने वाली संक्रामक बीमारियां बढ़ेंगी इससे पाकिस्तान के मेडिकल स्टाफ को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इस चेतावनी के बाद पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में भारत से 60 लाख मच्छरदानियां ख़रीदने की मंजूरी दी है पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर की स्थिति का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहां कोई भी लाइफ सेविंग मेडिसिन नहीं मिलती है ट्रेबीज कैंसर की दवाएं यहाँ तक कि मल्टीविटामिन के लिए भी वो भारत पर ही निर्भर है तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में